थैलेसीमिया एक मौरूसी बीमारी है जो दोनों पेरेंट्स की तरफ से बच्चे में आती है, और इसमें अल्फा थैलेसीमिया है और बीटा थैलेसीमिया है। बीटा थैलेसीमिया पाकिस्तान में ज़्यादा कॉमन है, और उसमें बीटा चेन मिसिंग होती है जिसकी वजह से अल्फा की ज़्यादती हो जाती है, और फिर वो जो आरबीसी बनता है, रेड सेल जो बॉडी में बन रहा है, वो टेढ़ा मेढ़ा या लो क्वालिटी का बनता है और वो टूट जाता है जबकि पिलरीज में से गुजरता है। तो ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट्स बॉडी में जो जाने चाहिए, जो कि रेड सेल लेके जाता है, वो नहीं पहुँच सकते, तो बच्चा वीक हो जाता है। ये पैदाइश के तकरीबन 4 मंथ्स के बाद किसी भी 2 साल की उम्र तक या ऑनवर्ड्स किसी वक्त भी डायग्नोज हो सकता है। थैलेसीमिया मेजर यूजुअली 4 महीने से लेकर 2 साल 2.5 साल तक डायग्नोज हो जाता है। उसमें शुरू से ही ऐसे होता है कि बच्चा जैसे ही उसका एनीमिया, जैसे रेड सेल टूटेंगे, एनीमिया हो जाएगा। एनीमिया से फिर उसके जो एनीमिया के अलामत है, उसमें उसको भूख नहीं लगेगी, रोएगा, इरिटेबल होगा, और उसकी ग्रोथ कम होगी, और पैलर हो जाएगा, पेल कलर हो जाएगा। यही सारी अलामत होती हैं जिसमें फिर डॉक्टर के पास जाएंगे, डॉक्टर उसका ब्लड CP करवाएगा और उससे पता चल जाएगा। इस पर हम लोगों ने प्रिवेंशन पर बहुत काम किया है, लेकिन अभी मज़ीद इसकी ज़रूरत है, क्योंकि ये अगर गवर्नमेंट कोई लेजिस्लेशन कर दे तो ये कर सकते हैं कि या तो है कि प्री मैरिटल सबकी स्क्रीनिंग हो जाए, अगर वो भी नहीं हो सकती है तो फिर हम उन पाकिस्तान के हर बच्चे का अगर एक दफ़ा ब्लड CP हो जाए, तो ब्लड CP में कुछ इंडिसीज हैं जो कि डिफरेंट आते हैं, उसमें ज़रा से कम होते हैं, उससे हमें पता चल जाता है कि कोई एनीमिया है। अगर एनीमिया है तो फिर उसको मज़ीद डायग्नोज एक्सप्लोर किया जा सकता है कि व्हाट इज़ द रीज़न बिहाइंड दिस, और उसमें ही डायग्नोज हो जाता है, उसी में पता चल जाता है कि ये थैलेसीमिया है। तो इस तरह से हम प्रिवेंट कर सकते हैं कि 2 थैलेसीमिया माइनर की शादियाँ ना हो। 2 थैलेसीमिया माइनर की अगर शादी हो गई है तो 25% चांस है कि हर प्रेगनेंसी में वो बच्चा थैलेसीमिया मेजर बन सकता है, 50% चांस है कि वो थैलेसीमिया माइनर बनेगा, और 25% चांस है कि वो नॉर्मल होगा। तो ये हर प्रेगनेंसी में है, एवरी प्रेगनेंसी कैन बी अ थैलेसीमिया मेजर, और कई दफ़ा कोई भी नहीं होती है, लेकिन दोनों थैलेसीमिया माइनर अगर पेरेंट्स होंगे तो ये हर वक्त एक टिकिंग बॉम्ब की तरह है। इसके लिए हम लोग सबसे पहले तो ज़ाहिर है प्रिवेंशन पे काम करना है, प्रिवेंट हो गया तो ठीक है। इसके बाद जब बच्चा थैलेसीमिया मेजर पैदा हो गया है तो उसको हम ब्लड ट्रांसफ्यूज़ करते हैं, क्योंकि पहली बात तो ये है कि उसकी ग्रोथ नॉर्मल हो और उसकी ज़िंदगी नॉर्मल की तरफ आ जाए। उसके बाद फिर पहला ट्रीटमेंट तो ट्रांसफ्यूजन है, और दूसरा ट्रीटमेंट बोन मैरो ट्रांसप्लांट है, और उसके लिए हम लोगों ने भी काफ़ी काम किया है। हमने अपना बोन मैरो सेंटर भी बना लिया है, हमारे थैलेसीमिया सेंटर में हमारे एक पोर्शन हमने पूरा बोन मैरो ट्रांसप्लांट का बना दिया सेंटर। उसमें वो किसी भी लिहाज से किसी बच्चे से कम नहीं है, इंटेलिजेंस उनकी उतनी ही है बल्कि उससे ज़्यादा है, उनकी ग्रोथ भी वैसी ही है जब उनका केयर किया जाए। इसमें सिर्फ ट्रांसफ्यूजन करनी है और आयरन किलेशन करनी है, ये 2 काम अगर कर लें पेरेंट्स अच्छी तरह से, या पेशेंट खुद जब समझ आ जाए उसको, तो दे कैन लीड टू नॉर्मल लाइफ। हमारे बहुत बच्चे हैं जो कि लॉयर बन चुके हैं, डॉक्टर्स बन चुके हैं, उनकी शादियां हो चुकी हैं, थैलेसीमिया मेजर की नॉर्मल खातून से शादी हुई है और उनके बच्चे भी पैदा हो रहे हैं। हमारा थैलेसीमिया सेंटर 1992 में बना था, और उस वक्त से लगातार इसमें काम हो रहा है, और अब तक 2300 पेशेंट्स रजिस्टर हो चुके हैं, जिनमें से तकरीबन 500 एक्टिव पेशेंट्स हैं जो कि हर महीने आके हमारे से ब्लड ट्रांसफ्यूजन करवाते हैं। हमारे प्रेसिडेंट जनरल सुहेब हैं जो कि बहुत रिनाउंड हेमेटोलॉजिस्ट हैं, और उनका प्रिवेंशन के ऊपर बहुत ज़्यादा काम है। उन्होंने डॉक्टर यास्मीन राशिद के साथ मिलकर सबसे पहला CVS टेस्ट किया था। CVS टेस्ट से पता चलता है कि अगर एक खातून प्रेग्नेंट है और दोनों मियाँ बीवी थैलेसीमिया माइनर हैं,
इफ़ शी इज़ प्रेगनेंट तो फर्स्ट 3 मंथ्स के अंदर अंदर हम CVS टेस्ट करवाते हैं, उससे पता चल जाता है, पेट से थोड़ा सा पानी लेते हैं जिससे पता चल जाता है कि ये थैलेसीमिया मेजर बच्चा तो नहीं है। अगर वो थैलेसीमिया मेजर है तो हमने मौलाना तकी उस्मानी से फतवा लिया हुआ है कि ऐसे बच्चों की जो ग्रॉस एबनॉर्मेलिटीज़ हों उनको DNC करवा सकते हैं, तो उनको हम बता देते हैं कि इसकी थेरेप्यूटिक DNC करते हैं। आरएस की उस वक़्त उम्र थी तकरीबन 7 मंथ, ठीक है। तो ये चूँकि उस वक़्त इतनी अवेयरनेस नहीं थी हम लोगों में, नहीं पता चलता था कि ये बीमारी क्या है, तो हम आगे पीछे डॉक्टरों के पास जाते रहे मुख्तलिफ, लेकिन कहीं से कोई इसको रिलीफ नहीं मिल सका। तो आखिर में फिर हमें पता चला कि इसका हमें वो HB स्टडीज़ करानी पड़ेगी, तो ये फिर FIT में, तो वहाँ से फिर हमें ये पता चला कि रिपोर्ट से कि ये आरएस को बीटा थैलेसीमिया मेजर है। उस वक्त तो तासरात मैं आपको क्या बता सकता हूँ कि मैं यही कह रहा हूँ ना कि उस वक्त इतनी अवेयरनेस नहीं थी कि ये बीमारी कितनी सख्त और कितनी बड़ी है। वैसे तो औलाद के सर में दर्द भी हो ना तो माँ बाप को बड़ी तकलीफ़ होती है ना, लेकिन ये जब चलता गया सिलसिला और इसमें हमें अवेयरनेस आती गई, पहले तो हम ब्लड खरीदते भी थे अस्पतालों से पैसे दे के, लेकिन जब हमें इसमें ये अवेयरनेस आई कि इन बच्चों को तो होल ब्लड नहीं चाहिए होता, इनको सिर्फ RCC चाहिए होता है, तो अब मैं काफ़ी अरसे से, कई सालों से AFIT से इसका ब्लड जो है अरेंज करके करा रहा हूँ। मुश्किलात तो पेश आती थी, ऐसी बात नहीं है, लेकिन उन मुश्किलात का जो है वो सामना करना पड़ता था और किया मैंने, ऐसी बात नहीं है कि मैं आपको ये बताऊं कि मेरे बेटे का ब्लड ग्रुप नेगेटिव होने के नाते आज 28 साल में 1 घंटा भी उसकी ट्रांसफ्यूजन लेट नहीं हो सकी है। पॉजिटिव ब्लड ग्रुप के बच्चे महीना महीना दो दो महीने उनके माँ बाप लापरवाही करते हैं, इतना उस तरफ तवज्जो नहीं देते, उनको ब्लड नहीं मिलता है, ठीक है, उनकी सेहतें और ख़राब होती है, बिगड़ती हैं, तो लेकिन आज तक अल्लाह की मेहरबानी से मेरे बेटे का आज 28 साल में 1 घंटा भी अपने टाइम से ट्रांसफ्यूजन उसकी लेट नहीं हो सकी है। मेरा नाम हारिस है और मैं 28 साल का हूँ और मैं थैलेसीमिया मेजर का पेशेंट हूँ। छोटी एज में तो नहीं पता था, लेकिन जैसे जैसे एज बढ़ती गई, 7-8 साल का, 10 साल का हुआ, ऐसे ऐसे पता चलता गया कि ये थैलेसीमिया क्या है, और ये भी पता चला कि ये जो ब्लड लगना है ये अब लगता रहेगा, ये सिलसिला चलता रहेगा। स्कूल जाना लेट तो नहीं, मैंने 6 साल की उम्र में शुरू किया था जाना स्कूल, और इंटरमीडिएट तक मैंने तालीम हासिल की है, उसके बाद आगे तालीम हासिल नहीं की मैंने। बिल्कुल नॉर्मल बच्चों की तरह मैं स्कूल भी जाता था, बाहर खेलने भी जाता था, और बिल्कुल नॉर्मल था, कोई ऐसा नहीं था कि गिर जाएगा, चोट लग जाएगी, ऐसी कोई चीज़ नहीं थी। इर्द गिर्द के लोग बार बार आपको बोलेंगे आप बीमार हैं, आपको ब्लड लगता है, शायद वो अपनी तरफ से हमदर्दी कर रहे हैं, लेकिन एक बंदा ये बात बार बार सुन के ना आखिर तंग पड़ जाता है कि यार कितना बीमार हूँ मैं। जब भी कोई बंदा मिलता है वो बोलेगा आप बीमार थे, आप कैसे हैं। नहीं, मैं बिल्कुल नॉर्मल ज़िंदगी गुजार रहा हूँ, मैं खुद को बीमार नहीं समझता। मैं इस वक्त घर की जिम्मेदारी भी है, मेरे अम्मी अब्बू हैं उनकी लुक आफ्टर मैं करता हूँ, मेरे जो भाई बहन है वो मुल्क में मौजूद नहीं है,
यहाँ पे मौजूद नहीं है, तो मैं खुद करता हूँ, उनकी लुक आफ्टर भी करता हूँ, अपना भी देखता हूँ, जो मुझे ब्लड लगता है, इंजेक्शन लगता है, वो सारा कुछ मैं खुद करता हूँ। बस ऐसे ही था कि जब पता चला था कि ये लगता रहेगा, दुख होता था कि बार बार जो है वो नीडल्स लगती हैं पेट में, कभी कभी बाजू पे, कभी हाथ में। कई बार ऐसा होता था कि वो जो ब्लड लगाते थे ना, तो वो नीडल लगाते थे, वो नहीं सही लगती थी, एक जगह से उतार के दूसरी जगह। तो उस वक्त ये सोचते थे कि ये कैसे चलेगा इतना सारा कुछ, क्योंकि ब्लड तो लगना है, सारी ज़िंदगी लगना है। वो तब होता था। देखिए, आप खुद देख लें कि यहाँ पे अगर कोई एक्सीडेंट हो जाए, आप मरीज़ को हॉस्पिटल में ले जाएं, तो अगर आपको डॉक्टर बोल दे कि इसे ब्लड की ज़रूरत है, तो बंदा परेशान हो जाता है कि ब्लड कैसे अरेंज करूँगा मैं। तो वो तो शायद वक्ती ज़रूरत है उसकी, लेकिन हमें तो पैदा हुए हैं, ब्लड लग रहा है और आखिर तक लगना है। और ऊपर से ब्लड ग्रुप है जो मेरा, वो बहुत रेयर है, हर बंदे का नेगेटिव ब्लड ग्रुप नहीं होता, पॉजिटिव होता है। तो इस हवाले से बहुत मुश्किलात होती हैं ब्लड को अरेंज करना, क्योंकि जो ब्लड बैंक्स हैं वो भी आपको कहते हैं कि डोनेशन लाएं तो फिर हम आपको दे सकते हैं, अदरवाइज़ नेगेटिव जो है वो बहुत रेयर है, बिल्कुल गुजार सकता है ज़िंदगी। वो आप पे है, आप उसका ट्रीटमेंट जो है, जो सब कुछ आपको चाहिए, ब्लड चाहिए, इंजेक्शंस चाहिए, आप अपना ट्रीटमेंट ठीक रखें, आप बिल्कुल नॉर्मल ज़िंदगी गुजार सकते हैं जैसे दूसरे लोग गुजारते हैं। तो बिल्कुल ऐसे ही मैं आपके सामने बैठा हुआ, मैं ब्लड टाइम पे लगा रहा हूँ, इंजेक्शन लगा रहा हूँ, और मैं बिल्कुल नॉर्मल ज़िंदगी गुजार रहा हूँ। 70 किलोमीटर है यहाँ से हॉस्पिटल मेरा, मैं खुद गाड़ी ड्राइव करके ले कर जाता हूँ, वापस भी आता हूँ। तो ऐसी कोई बात नहीं है कि मैं बीमार हूँ या ब्लड मुझे लगा है और मैं लेट जाऊँ, नहीं, मुझे ब्लड लगता है और उसी आधे घंटे घंटे बाद मैं गाड़ी चला के खुद वापस कर आता हूँ। और जैसा कि काम का, तो मुझे शौक़ था शुरू से गाड़ियों का, तो यही काम था, अब्बू का भी था, गाड़ियाँ लेना, सेल करना, और बस वही चल रहा है, उसी के साथ चल रहा हूँ। होता है, बंदा सोचता है, लेकिन नहीं, फिर बंदा सोचता है कि ये जिसने बीमारी दी है वो इसके लिए कर भी रहा है, इंसान को वही हिम्मत देता है जो बीमारी देता है, वो हिम्मत भी देता है कि बंदा इससे लड़े।